खबर देंगे आपको हरूनाबाद से, जहां पर खातून को वोट देने का हक जो है वो हराम करार दे दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, खातून उम्मीदवार को वोट हराम करार देने का मामला पेश आया है। नून लीग के साबिक सदर सूबाई वजीर सैयद हारून शाह बुखारी फंस गए हैं। हारून शाह बुखारी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान खातून उम्मीदवार को वोट देना हराम करार दे दिया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं, खातून उम्मीदवार को वोट हराम करार देने का मामला पेश आया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकार घुम्मन मुजफ्फरगढ़ से, ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार साहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले। वकार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि खातून उम्मीदवार को वोट हराम करार देने का मामला पेश आया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी चंद रोज कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर चार मुख्तलिफ सीटों से इलेक्शन लड़ने वाले सैयद सुल्तान हारून सुल्तान बुखारी ने एक बयान दिया था कि किसी भी खातून उम्मीदवार को वोट देना हराम है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। और नोटिस लेने के बाद जब हारून सुल्तान को तलब किया गया तो हारून सुल्तान का ये कहना था कि उनका ये जो बयान है वो जाली है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई जाए, जिस पर पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने इसकी आज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लिखा गया है कि वो इसका जो बयान था वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं है, जो वॉइस है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इस बिना पर इलेक्शन कमीशन मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ने इलेक्शन कमीशन को इस रिपोर्ट की रोशनी में जो दरख्वास्त इरसाल की है कि इस उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई इस रिपोर्ट की बिना पर की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।